तो दोस्तों पीएसएल सीजन 9 में आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कैप्टन है और शाहीन अफरीदी जो कि टी20 क्रिकेट के कैप्टन है और शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कैप्टन है, दोनों की ही टीमें जो है टूर्नामेंट में बाहर हो गई और दोनों की टीमों की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंटेड थी। तो अब जो है आने वाला जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 है उसके लिए जो है आप देखना होगा कि कौन नया कप्तान बनता है। ये काफी सारी न्यूज ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नया कप्तान बनाने जा रहा है, तो नया कप्तान कौन हो सकता है? मोहम्मद रिजवान का नाम निकल के सामने आ रहा है और बाबर आजम भी जो है इस लिस्ट में शामिल है। मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक तो इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द जो है इसके ऊपर भी हतमी फैसला करने वाले हैं कि जो आने वाली अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है टी20 और उसके बाद जो है जून में फिर टी20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। तो ये दोनों जो एक सीरीज और ये टूर्नामेंट दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 के जो कैप्टन है उनके भी जो है नाम कुछ निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें रिजवान और बाबर आजम है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंटेड रही है पूरे इस टूर्नामेंट में। पीएसएल में जिस तरह आपने देखा कि उस तरह जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह के फैसले किए, उनकी बॉलिंग भी जो है वो उस तरह अप टू मार्क नहीं थी जिस तरह की उनसे जो है तवक्को की जा रही थी। अगर वो दूसरे उसके खिलाफ उनकी टीम की परफॉर्मेंस देख लें जिसके ऊपर जो है वो आपने देखा जब भी दिल चाहे वो आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद जो उनकी टीम मुश्किल में भी आ जाती है। और इसके अलावा अगर आप बाबर आजम की कैप्टनसी या मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी देखें तो वो आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी रही है, खासतौर पर बाबर आजम की। जब से वो जो है टी20 के कैप्टन हटे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, उसके बाद जो है पेशावर जलमी की तरफ से जब वो खेल रहे इस सीजन में उनकी कप्तानी जो है बहुत ही कमाल की नजर आ रही है। एक वो मैच जिसमें जो उन्होंने आरिफ याकूब को ओवर करवाया वो बहुत ही जबरदस्त मैच, एक हारा हुआ मैच जितवाया। इसके अलावा जो है जो कराची किंग के खिलाफ मैच खेला गया लास्ट 148 रन का जो उन्होंने डिफेंड किया वो भी बहुत कमाल था। सैम अयूब से ओवर कराना, सैम अयूब को जो है एज अ बॉलर यूटिलाइज करना या अपने बॉलर्स को एक अहम मौके के ऊपर यूटिलाइज करना, तो ये भी बाबर आजम की जो है कैप्टनसी की काफी ज्यादा तारीफें की जा रही है। तो वैसे अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है 2024 का, इसमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए कैप्टन बनते हैं वो कौन होंगे। वेल, इसका जो हतमी फैसला है वो मौसम नकवी साहब करेंगे। तो ये छोटी सी न्यूज थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दें, बाय।